Hello, good morning student. How are you all? I hope you all fine at home. Okay. Now our second video lesson standard 6th mein subject Hindi lesson number 1. After first term ke baad hamara second term starting mein hamara Hindi ka first video lecture hai. So lesson number 1. Okay. Page number 1. एंड सी लेसन नंबर 1 में क्या है मैम, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, यानी ये एक क्या है, प्रेयर है. क्या है? प्रेयर. इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना. ठीक है, ये है प्रेयर. तो हमें इस प्रार्थना बोलते, यानी ये प्रार्थना काव्य के रूप में. सो पहले हम इसको रीडिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगी. ठीक है, देखो. इतनी शक्ति हमें दी न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. आपको पता है, आप लोग बहुत ही लकी हो कि आपकी जो बुक है उसमें आपके जो लेसन स्टार्ट होते हैं उसमें आपका फर्स्ट लेसन ये क्या है, प्रार्थना है. तो अगर आप अपना फर्स्ट लेसन कर सकते हो प्रार्थना से अच्छे से, तो आपका आगे का भी क्या होगा, एजुकेशन बहुत ही अच्छा होगा. तो अच्छी बात है. देन है सेकेंड, दूर ज्ञान की हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे बड़े जिंदगी दे. बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. हमने सोचे हमें क्या मिला है, बाटे सभी को. सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहाके, कर दे पावन हर एक मन का कोना. हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम अंधेरे में रोशनी दे, खून दे खुद को दुश्मनी से. हम सजा पाए अपने की मौत भी हो तो से कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना. हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. हर तरफ जुल्म बेबसी, सहमा सहमा सा हर आदमी है. पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जानकी सिंह धरते थमी है. बोझ ममता से दुए उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना. हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना.
we are complete our poem reading then explanation. ठीक है, यह एक प्रार्थना काव्य है. काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में हमें किसी से कोई भूल ना हो, सबका जीवन कैसा हो उदार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है. किसी के प्रति भेद भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है. ओके, देखो हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा अंदर जो मन का विश्वास है कि जिसे हम अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं ना, तो वो कभी कमजोर नहीं होना चाहिए आपका. आपने जो गोल रखा है, जो लक्ष्य रखा है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो वो आपको करके दिखाना है. फिर अपने अंदर के मन को हिलाना डुलडुलाना नहीं है, यानी ऐसे नेगेटिव नहीं सोचने हैं कि हमसे नहीं होगा, होगा. पर क्या करना है, पॉजिटिव रहो और मेहनत करो. और हमें गॉड यानी भगवान कह रहे कि हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे अंदर जो मन का विश्वास है वो कमजोर नहीं हो, हमारे अंदर दुश्मन यानी भेद की भावना नहीं हो, यानी दुश्मनी नहीं हो किसी से, सबसे हम प्रेम से मिलजुल कर रहे. हम चलेंगे एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. यानी हम कैसे रास्ते पे चलेंगे, नेक रास्ते, यानी हम सही रास्ते पे जाएंगे और उसमें हमारी कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए. ऐसे बोलो, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हमारे अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान का क्या दूर कर, अंधकार दूर कर और ज्ञान का दीपक जला. ऐसे बोल रहे कि हमें ज्ञान दे, ज्ञान की क्या दे, रोशनी दे. जैसे दीपक ज्ञान की रोशनी, दीपक रोशनी देता है, वैसे तू भी हमें ज्ञान की रोशनी दे और अंदर का जो अज्ञान है वो दूर कर दे. हम बुराई से बचते रहे, हम जितनी भी दे बली जिंदगी दे. यानी हम बुराई से बचते रहे, यानी हमारे मन में कोई किसी के लिए बुराई नहीं आए, उससे हमें बचा के रखना. और जितनी भी दे जिंदगी तेरे ऊपर है, जन्म तुमने दिया है तो मरना भी तुमने लिखा है, बट कब लिखा है वो पता नहीं. तो तुमने जितनी भी जिंदगी दी है वो खाली क्या हो, बली हो, यानी सही से चले. बेर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना, यानी हमारे अंदर क्या नहीं हो, बेर नहीं हो, यानी दुश्मनी नहीं हो किसी से. और हमारे अंदर की जो भावना है वो अच्छी रहे. भावना मन में बदले की होना, बदले की भावना कभी मत रखना कि चलो इसने ये किया है तो मैं भी इसे बदला लेकर ही रहूँगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको. ठीक है, किसी के साथ बेर दुश्मनी नहीं रखनी है, सब आपके लिए भाई बहन है, सबके साथ मिलजुल कर एकता बनाए रख के हमें भारत में रहना है. ठीक है, यूनिटी बनाए रखनी. हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या है हम पर. यानी हमें ये नहीं सोचना कि हमें क्या मिला है, हमें क्या करना है, देश के लिए अर्पण करना है यानी बलिदान करना है. हमें तो भगवान ने इतना अच्छा क्या दिया है, शरीर दिया है, हाथ पे मुंह नाक सब दिए हैं अच्छे से, इतना खूबसूरत शरीर दिया, तो उसे क्या करना है, काम में जोड़ना है और हमारे देश के लिए कुछ अर्पण करना है, ये सोचना है हमें. फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन. यानी जैसे फूल खुशियाँ बांटते हैं ना बगीचे में रहकर सब, तो हमें भी क्या करना है, सबके साथ खुशियाँ बांटनी है, यानी सबके साथ हैप्पी रहना है और सबका जीवन ऐसे क्या रहेगा, मधुबन रहेगा, यानी मीठा मीठा रहेगा. अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना. यानी हमारे अंदर की जो करुणा है उसका तू क्या कर, जल तू बहा, पानी बहा ले और पावन कर दे, अच्छा कर दे हर एक के मन का कोना. यानी जिसके मन में आप
के सामने भी आपको क्या करना है, प्यार से रहना है। अगर आप उनके सामने प्रेम से रहोगे तो उसके दिल में जो नफरत है आपके लिए वो क्या हो जाएगी, प्यार में बदल जाएगी। ठीक है, हम अंधेरे में ही रोशनी दे, खून देख को ही दुश्मनी से, यानी इसमें क्या, हम अंधेरे में है, हम यानी ये सोचते वो सोचते, हमारे अंदर के अंधेरे का अज्ञान है, तो हमें क्या दे, रोशनी दे, सही सीख दे, उजाला कर हमारे मन को और खो न दे। तो इस चक्कर में अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो हमारे अंदर की जो दुश्मनी है उसको भी हम क्या कर न दे, खो न दे, खो न दे खुद को, हम खुद को ही दुश्मनी से खो नहीं दे। हम सजा पाए अपने ये ही, मौत भी हो तो सहले खुशी से, हमने जैसे काम किए हैं, कर्म किए हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगी, सजा तो मिलेगी, यानी भुगतान तो करना पड़ेगा, बट क्या होगा, मौत भी अगर हो तो हम उसे क्या करें, खुशी खुशी सहन कर ले, अपने किए की हमें सजा मिलेगी और मौत जो होगी तो उसको खुशी खुशी से क्या करना है, स्वीकार कर लेना है। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, यानी कल जो बीत गया है वो फिर से नहीं आए, जो पास्ट होता है आपको उसको रिमाइंड नहीं करना है, आपको ऐसे रखना है कि आने वाला हमारा कल क्या हो, अच्छा हो। हर तरफ जुल्म बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, यहाँ पे क्या, हर तरफ जुल्म है, जुल्म यानी क्या, जुल्म होते रहते हैं, गुनाह होते रहते हैं, बेबसी यानी लाचारिया है हर तरफ, ये आदमी यानी जो दुनिया में आदमी है वो सहमा सहमा सा हो गया, अभी क्या हो गया है, और वो डर गया है, बहुत डर डर की जिंदगी जी रहा है अपनी, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे की धरती थमी है, यानी पाप का क्या बढ़ता गया है बोझ, दुनिया में लोग इतने गुनाह भ्रष्टाचार ये सब कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया है, पाप का बोझ बढ़ता गया है और ये धरती कैसी हो गई है, थम गई है, पूरी रुक गई है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, ममता से यानी हमारी माँ के पास कितना बोझ है, वो हमें संभालती है, घर को संभालती है, पूरे परिवार को, सबसे ज्यादा बोझ किसके पास है, हमारी माँ के पास, तो ममता से क्या उठा ले तू, बोझ उठा ले, तो तेरी रचना का भी क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, यानी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ओके, वी आर कंप्लीट योर लेसन, मां एक्सप्लेनेशन दे, मन शब्दार्थ देखेंगे, ठीक है, शब्दार्थ में आप देखो, विश्वास तो भरोसा, नेक ईमानदार, रोशनी प्रकाश, बेसी लाचारी, जुल्म अत्याचार, बलि तो अच्छी, अर्पण तो समर्पण, मधुवन तो उपवन और बगीचा, पावन तो पवित्र, सहमा सा तो डरा हुआ। ओके, देन क्वेश्चन आंसर देखो, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कभी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या होता है, मिलता जुलता, यानी एक जगह पे नहीं मिलता है, हमारे मन के अंदर जो विश्वास है वो कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है कुछ भी काम करने के लिए, तो उसको हम क्या करें, कमजोर नहीं रखें, एक अटल बनाए रखें। धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है, तो क्या हम लिखेंगे, धरती पर हर तरफ क्या है, जुल्म है, बेबसी है और सहमा सहमा सा हर आदमी है, हर जगत, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों, तो हमें जगत में क्या अर्पण करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, ये सब दिया है, तो हमें जगत में कुछ अर्पण करना चाहिए, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, तो हम सभी को खुशियाँ बांटना चाहते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। देन है हमारा, हम सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का अर्थ क्या हो, सबका जीवन क्या हो, मीठा हो, सब लोग साथ में रहे, खुशियाँ बांटे, इस तरह मधुवन यानी मीठा मीठा रहे सबका जीवन,
खुशहाल भरे रहे ऐसे। देन क्वेश्चन टू है हमारा, क्वेश्चन टू में क्या है कि खाली स्थान में रुचि शब्द बने, जैसे कि देखो राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं, लेकिन ऐड करना है। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। अध्यापक रुक गए और लड़के को लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। ओके, देन क्वेश्चन फोर में आपको विशेषण दिए, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाने हैं। क्वेश्चन फाइव में आपको उदाहरण की तरह करना है, आपको दिया है ठीक है। इस तरह से स्वाध्याय है तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन टू में उदाहरण के अनुसार समान रूप वाले कंप्लीट करने हैं। सो हियर कंप्लीट आवर लेसन नंबर वन। थैंक यू।